आगरा 12 फरवरी को ताजमहल और आगरा किले को झंडों के लिए क्यों हो सकता है बंद, जानिए वजह। आगरा यूपी के 12 फरवरी की ताजमहल और आगरा किले कुछ घंटों के लिए बंद किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि विदेश प्रतिनिधियों की यात्रा के दौरान स्मारक को 3 घंटे के लिए बंद किया जा सकता है। इसी साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, यूपी में बस से यात्रा करना महंगा, रोडवेज ने बढ़ाया किराया, जानिए कितना बढ़ रहा है रेट। यूपी की बस से यात्रा करना अब महंगा हो गया है। राज्य सड़क परिवहन निगम की बस से सफर करने वाले जो जेब हल्की करनी पड़ेगी। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने परिवहन निगम के किराया बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रोडवेज ने 25 पैसे प्रति किलोमीटर किराया बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। इसके मान लिया गया कि ऐसे में 100 किलोमीटर का सफर करने पर 25 रुपये ज्यादा देना होगा। इसी साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, आसाराम बलात्कार के मामले में गांधीनगर की अदालत करेगी सजा का ऐलान। दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे संत आसाराम बाबू को गांधीनगर की एक अदालत ने महिला शिक्षक से दुष्कर्म के एक मामले में दोषी करार दिया है। आसाराम को इस मामले में मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी। इसी साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, पहाड़ों पर बर्फबारी, दिल्ली NCR ने बादल, इन राज्यों में करवट लेगा मौसम। देश की राजधानी दिल्ली और NCR के मौसम पल पल करवट ले रहा है। वही आज मंगलवार से मौसम फिर बदलेगा और बारिश से राहत मिल सकती है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, शब्द और आर्ट फार्ट से समझ लिए तो बजट समझ आ जाएंगे, पढ़े और बजट के बाउंसर से बचे। 1 फरवरी 2023 देश का बजट संसद में पेश होगा। हर साल की तरह इस साल भी बजट स्पीच होगी। इसके बाद शुरू होगा सराहन आलोचनाओं का दौर। सत्ता पर जिसे किसानों के गरीबों मिडिल क्लास के बजट जैसी तमाम उपस्थितियों प्रमुखों से संबोधित करेंगे। एक साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, केंद्र की इस पेंशन योजना पर बजट से पहले आया बड़ा अपडेट, सब्सक्राइबर्स का जानना जरूरी। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अटल पेंशन योजना ने अपने, यदि आपने भी निवेश किया है तो इस पर नया अपडेट आया है। इस नए अपडेट में तहत केंद्रीय की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना AYP के तहत 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, आयुष्मान भारत के दायरे में आए 80 करोड़ लोग, देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर हुई 596। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि केंद्र की प्रमुख स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना दुनिया में पहली और एकमात्र ऐसी प्रणाली है जो 80 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये का कवर प्रदान करती है। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बता दें, 31 जनवरी संसद में आज पेश होगा इकोनॉमिक सर्वे, जानने देश और दुनिया की ताज़ा खबरें। आज की ताज़ा खबर, 30 जनवरी 2023 आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। सत्र में से पहले दिन वित्त मंत्री सीता निर्मला रमण संसद से इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगी। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, 1 फरवरी को आम बजट पेश करेगी वित्त मंत्री सीता रमण, आज जनता रखेगी ख्याल। अंतिम बजट के साथ 11वां बजट का एनकाउंटर शुरू हो चुका है। शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस जैसे तमाम क्षेत्रों को इस बार के बजट से उम्मीदें हैं। हालांकि देशमुनि ने सीतारमण खुशी की इजहार करके हुए आसमान देने की कोशिश की। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, दिल्ली से 2 घंटे में जयपुर और 12 घंटे में मुंबई, PM करेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। अगले महीने में पहले हफ्ते की सड़क मार्ग से दिल्ली और जयपुर का सफर बेहद आसान हो जाएगा। आप देश की राजधानी दिल्ली से राजस्थान की राजधानी जयपुर तक की यात्रा महज 2 घंटों में पूरी कर सकेंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र को मिलेगी 2 वंदे भारत ट्रेन, सौगात PM मोदी 10 फरवरी को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र को एक साथ 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देंगे। PM मोदी 10 फरवरी को मुंबई आएंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, इनकम टैक्स इसे कहते हैं शानदार बजट की शुरुआत, इतनी कमाई पर नहीं देना होगा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कल डेट, साल में जब बजट आता है तो सबसे पहले सबकी नज़र बजट में इनकम टैक्स पर स्लेब में मिलने वाली छूट पर होती है, क्योंकि इनकम टैक्स बजट का एक ऐसा हिस्सा है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सीधा जुड़ा हुआ है। इसके साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, NDAVSNG CM योगी ने सूर्य को कहा, मिस्टर 360 ट्वीट कर कही ये बातें। भारत न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों में
टी ट्वेंटी सीरीज का दूसरा मैच रविवार को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में खेला गया। टीम इंडिया ने इस मुकाबले को 6 विकेट से जीत कर सीरीज में 1-1 में बराबरी कर ली है। इसी साथ दोस्तों आपको बता दें, अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट जिस भाषा में गवाही हो उसमें भी रिकॉर्ड रखा जाए, सिर्फ अंग्रेजी ही पढ़ता गलत। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों में गवाही को मूल भाषा में बजाय अंग्रेजी अनुवाद पर रिकॉर्ड में दर्ज कराने की जजों की प्रथा को गलत ठहराया। शीर्ष अदालत ने कहा, जिस भाषा में गवाह बयान देता है उसमें रिकॉर्ड रखना जाना चाहिए। इसी साथ दोस्तों तो आपको बता दें, अगली बड़ी खबर, गूगल ने चीनी प्रचार से जुड़े 5,000 खाते ब्लॉक किए। ट्रेग्रिज साइट की जी रही थी अमेरिका की आलोचना। गूगल ने पिछले साल यूट्यूब, ब्लॉगर और इंडस्ट्रेंस जैसे विभिन्न प्लेटफार्मों पर चीन समर्थक खातों द्वारा साझा की गई 50,000 से ज़्यादा सामग्री को ब्लॉक कर दिया है। अपने ब्लॉग साइट पर यह जानकारी साझा करते हुए गूगल ने थ्रेट एनालिसिस ग्रुप टीएजी ने कहा कि उन्होंने उस समूह को अनब्लॉक कर दिया है जिसे वैकल्पिक रूप से संप्रोफ्लेज ड्रैगन और ड्रैगन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, अगली बड़ी खबर, शिवसेना के दोनों गुटों ने चुनाव आयोग के सम्मेलन लेकिन अंतिम दलील दी। संगठन चुनाव चिन्ह पर दावा, शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट को सोमवार चुनाव को आएगा सामने। पार्टी संगठन और चुनाव चिन्ह पर अपना दावा जताते हुए अंतिम दस्तावेज पेश किए। दोनों गुटों ने पार्टी के चिन्ह के रूप में धनुष और तीर और पार्टी संगठन पर अपना दावा जताते हुए निर्वाचन आयोग के सामने लिखित में अपनी बात रखी। इस साथ दोस्तों आपको बता दें, अगली बड़ी खबर, दिल्ली दंगा, शाहरुख खान पठान को बंदूक मुहैया कराने के आरोपी कोर्ट से राहत, कहा बयान कानून के मुताबिक नहीं। देश की राजधानी दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगे के मामले में दिल्ली की अदालत ने शाहरुख खान पठान को पिस्तौल बेचने के आरोपी को करीब बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी बाबू बिस्तीस के खिलाफ मामला वास्तविक सामग्री या सच के बजाय अनुमानों पर आधारित है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, अगली बड़ी खबर, इन दोनों में बूस्टर डोज लेने से कोरोना में मौतें 80% तक कमी हुई। स्टडी, कोरोना का कहर पूरी दुनिया में देखा है, इस वायरस ने कई लोगों को जान ले ली है, कई तरह की मुसीबतें खड़ी है की हैं, लेकिन इसका इलाज भी निकला। इस इलाज है कोरोना की वैक्सीन है। एक नई वैक्सीन मार्केट में आ चुकी है। अब इन वैक्सीन से भी बूस्टर डोज में अहम रोल निभाया है। माना जा रहा है कि अगर बूस्टर डोज नहीं दी जाती तो कोरोना के बदलने स्वरूप की वजह से और ज़्यादा लोगों की मौतें होती। इसी को लेकर नई स्थिति सामने आई है। इसी साथ दोस्तों आप बता दें, अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार के खिलाफ गठबंधन बनाने के जुटे नीतीश कुमार ने भाजपा से तौबा। नई दिल्ली टीम विजिकल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि वह भारत जनता पार्टी भाजपा के हाथ मिलाने की बजाय मरना पसंद करेंगे। उनकी यह टिप्पणी अब तक आई है तब भाजपा ने फैसला किया कि जनता दल यूनाइटेड के अलोकप्रिय नेता से फिर गठबंधन करने का कोई सवाल नहीं है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, अगली बड़ी खबर, 31 जनवरी को सालिग्राम शिला पहुंचेंगे यूपी अयोध्या से बनेगी भगवान श्री राम की मूर्ति। नई दिल्ली नेपाल की 6 करोड़ वर्ष पुराने सालिग्राम शिला 31 जनवरी को 11:30 बजे कुशीनगर पहुंचेंगी। यह नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री एवं पूर्व गृह मंत्री बिमलेन्द्र निधि व जानकारी मंदिर के महंत में नेतृत्व की कुशीनगर आ रही है। इसी साथ दोस्तों आपको बता दें, अगली बड़ी खबर, डाकघर में खोले जाएंगे 5,000 सुकन्या समृद्धि खाता। डाकघर विभाग एक बार फिर सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए अभियान चलाएगा। माता पिता भी अपने बेटी के सुनहरे भविष्य के लिए डाकघर में खाता खुलवा सकते हैं। 9-10 फरवरी को जनपद के 5,000 खाते एक साथ खोले जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, अगली बड़ी खबर, इस राज्य में हो सकता है बीजेपी का सबसे बुरा हाल, चौंका रहे हैं सर्वे के आंकड़े। बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाले बीजेपी जीत के लिए हर बूथ को मजबूत करने की काम पर जोर दे रही है। कांग्रेस पार्टी की अपनी तैयारियों में